सो गाइज वेलकम टू अ चैनल, वी आर बैक फॉर अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं R15 वर्जन 4 के बारे में। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले वीडियो में दिखा दिया था आपको कि टेस्टिंग के दौरान R15 वर्जन 4 दिखाई पड़ गया था। अभिनव भट्ट के वीडियो पे आप जाके देख सकते हैं, उनका चैनल का लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में। सो गाइज़ हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि R15 वर्जन 4 में आपको क्या क्या नई चीज़ें देखने में मिल जाएगी। जैसे कि देखा जाए कि R15 वर्जन 4 जो है, हर जैसे कि R15 हर बार अपना कुछ ना कुछ नया लेके आता है मार्केट में। तो यहाँ पे देखा जाए तो R15 वर्जन 4 में सबसे पहले तो आपको हेडलाइट चेंज देखने मिलेगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इंजन कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 155 सीसी का इंजन होने वाला है। और थोड़ा सा BHP मुझे लगता है यहाँ पे BHP थोड़ा बढ़ा देंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए जितने भी R15 आते हैं उसमें थोड़ी सी पावर बढ़ी रहती है, क्योंकि यहाँ पे जो RS 200 है वो सेल थोड़ा सा R15 का डाउन कर दे रहा है। उसके वजह से यहाँ पे R15 वर्जन 4 जल्दी मार्केट में आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें इस बाइक के बारे में, तो बाइक की टॉप स्पीड भी आपको सिमिलर ही मिलेगी, बट थोड़ा सा आपको एक्सलरेशन थोड़ा ज़्यादा बेटर मिल सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखें तो हर बार यामाहा कुछ ना कुछ नया चीज़ लाते रहता है अपने न्यू वेरिएंट में। और देखा जाए गाइस तो यहाँ पे R15 वर्जन 4 में आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप हम MT 15 में देखते हैं, वैसा आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प देखने को मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पे देखा जाए गाइस, तो आप अगर आप एक बाइक के बारे में सोच रहे हैं जहाँ पर आपको चाहिए R15 वर्जन 4 ही, तो आप वर्जन 3 को यहाँ पे कुछ दिन के लिए रुक जाए, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 महीने बाद R15 वर्जन 4 मार्केट में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको USD फोक्स भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो R15 वर्जन 4 लेने का बहुत ही बेटर तरीका है, आप 2-3 महीने रुक जाइए और आपको R15 वर्जन 4 मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो आपको इतने सारे ज़्यादा फीचर्स, प्लस यहाँ पे रेडियल टायर 140 mm का, और भी बहुत चीज़ें देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे ग्राफिक्स और डिज़ाइन को भी थोड़ा चेंज करेगा यामाहा, क्योंकि यहाँ पे जैसा देखा जाए तो वर्जन 1 में जैसा डिज़ाइन था, तो वर्जन 2 में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया डिज़ाइन। और फिर वर्जन 3 में देखिए आप लोग कितनी ज़्यादा चेंजेस आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो R15 वर्जन 3 जो है वहाँ पर पूरा एकदम चेंज हो चुका है। और देखा जाए तो हेडलाइट पूरा चेंज कर दिया गया है, और यहाँ पे देखें तो USD फोक्स ऐड कर दिया जाएगा इसमें। और बाकी कुछ डिज़ाइन चेंजेस देखने को तो नहीं मिली है बाइक में, बाइक काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लुक होने वाली है। और थोड़ा सा मुझे लगता है शायद इस बार यामाहा अपने R15 सीरीज़ पे ज़्यादा ही ध्यान दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे तो लगा था कि R1 का लुक प्रोवाइड कर देगा, लेकिन वैसा यामाहा ने नहीं किया इस बार। और यामाहा ने अपना जो R7 का लुक था वो यहाँ पे ला दिया है, क्योंकि R7 का लुक अगर देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव है। यहाँ पे जैसे देखा जाए, मैं यहाँ पे वीडियो में आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं यहाँ पे R15 वर्जन 4 है मेरे स्क्रीन के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो एग्जॉस्ट थोड़ा सा चेंज है, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा बाइक बल्की होने वाला है। और यहाँ पे देखें तो बाइक थोड़ा सा मुझे लग रहा है कंफर्टेबल वे में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखें तो जो बंदा बाइक चला रहा है वो थोड़ा सा कंफर्टेबल वे में चला रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ज़्यादा झुका नहीं है, तो ये चीज़ हो सकता है कि R15 वर्जन 4 में आपको थोड़ा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन मिल जाए। और देखा जाए तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि R15 वर्जन 3 हमेशा ही, जो R15 सीरीज़ है वो हमेशा ही 150 cc का किंग है। इसके लिए R15 वर्जन 4 आ रहा है, और यहाँ पे देखा जाए तो बाकी कोई भी ब्रांड इसको बीट नहीं कर पाएगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन देखो या टॉप स्पीड देखो, बाइक तो वैल्यू फॉर मनी ही होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर पावर देख लो आप, टॉर्क देख लो, ये पहली एक ऐसी बाइक है जिसमें आपको स्लीपर क्लच देखने मिल जाते हैं अदर्स बाइक के कंपैरिजन में। यहाँ पे देखें तो RC 200 में या फिर Apache 200 में यहाँ पे आपको स्लीपर क्लच देखने को नहीं मिलता, तो स्लीपर क्लच तो होने ही वाला है। और यहाँ पे अगर अदर फीचर्स की बात करें, तो अदर फीचर्स की में हमें हेडलाइट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पर बीच में हेडलाइट देखने को मिल जाएगा आपको, प्रोजेक्टर हेडलाइट जैसे कि हमें MT 15 में देखने को मिलता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। तो आप अगर वेट करना चाहते हैं तो आपको 2 से 3 महीना वेट करना पड़ेगा, और R15 वर्जन 4 जल्दी मार्केट में आ जाएगा। और यहाँ पे टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हटा के यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा USD फोक्स इस बाइक में। और देखा जाए तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टायर का MM तो सेम ही होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो बाइक के बाकी बाइक में भी जितनी मिलती है टायर उतनी ही इस बार अब आपको देखने को मिल जाएगा इस बाइक में भी। और देखा जाए तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटल कंसोल की अगर हम बात करें, तो इंस्ट्रूमेंटल कंसोल आपको जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा चेंजेस देखने मिल सकता है। इंस्ट्रूमेंटल कंसोल सेम रहेगा, बट देखें तो यहाँ पे आपको
इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी या फिर अदर फीचर्स भी देखने को मिल सकते हैं, जिससे आप अपने फ़ोन से आप देख सकते हैं इन्फॉर्मेशन आपके माइलेज के बारे में, टॉप स्पीड आपकी बाइक कितनी गई, और थोड़े से फीचर्स को ऐड कर सकता है। और यहाँ पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि R15 वर्जन 4 में अगर कलर डिस्प्ले दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा, बहुत ही अट्रैक्टिव दिखेगा। बहुत लोगों ने ऐसा मॉडिफाई किया है, वैसे अगर कंपनी ने दे दिया तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा गाइस। सो जैसा कि आप जानते हैं, R15 वर्जन 4 एकदम मार्केट को हिला के रख देगा, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए तो R15 अपने जो बाइक है उस पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता है और बहुत ही कस्टमर की सुनता है। तो यहाँ पे अगर देखें ऑदर्स बाइक के कंपैरिजन में तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव बाइक है। और यहाँ पे अगर देखें तो 0 to 100 की स्पीड भी थोड़ी सी बढ़ सकती है नेक्स्ट वेरिएंट में। सो गाइज, यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप R15 वर्जन 4 ख़रीदना चाहते हैं तो आप वर्जन 3 को ना लें अभी कुछ दिनों के लिए, क्योंकि यहाँ पे 3 से 4 महीने के आसपास आपको मिल जाएगा R15 वर्जन 4 देखने को मार्केट में। सो गाइज, यहाँ पे मेरा वीडियो ख़त्म हो रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और ऐसे लेटेस्ट लेटेस्ट वीडियो आपको देखनी है मेरे चैनल पर, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।